सो हेलो गेमर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके टीवी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइबर पंक 2077 गेम के बारे में। तो यार फाइनली ये वीडियो आ चुकी है एंड जब से ये गेम रिलीज हुई है यार तब से बहुत ज्यादा ही लोग कमेंट पे कमेंट किए जा रहे थे यार कि भाई प्लीज इस वीडियो गेम के ऊपर वीडियो बनाओ एंड इस गेम का रिव्यू वगैरह हमें दो। तो फाइनली वीडियो आ चुकी है एंड आज के इस वीडियो में इस गेम से रिलेटेड सारी बातें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना। एंड हाँ यार, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो। इस तरीके से गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगी एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो वहां पे भी ज्वाइन हो जाओ यार, क्योंकि गेमिंग से रिलेटेड अपडेट्स एंड जो भी अपडेट्स मेरे चैनल से रिलेटेड रहते हैं एंड गेम्स की वोटिंग वगैरह सब कुछ वहां पे चल रही है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और हाँ यार, अगर आप लोग इस गेम को फ्री में प्ले करना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो के सीधा प्राइसिंग वाले सेक्शन पे स्किप मार सकते हो, टाइम स्टैम्प आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलो यार बिना टाइम गवाए इस वीडियो गेम का रिव्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साइबरपंक 2077 एक 2022 की एक्शन रोल प्लेइंग वीडियो गेम है जो कि डेवलप की गई है सीडी प्रोजेक्ट के तरफ से एंड पब्लिश भी सीडी प्रोजेक्ट ने ही किया है। ये गेम सेट है नाइट सिटी में जो कि एक ओपन वर्ल्ड का सेट है साइबरपंक यूनिवर्स में। तो ये एक रोल प्लेइंग गेम है, तो यहाँ पे प्लेयर्स अपने आप को एक कस्टमाइजेबल रोल की तरह अज्यूम करते हैं जिसका नाम होता है वी, जो कि एक्वायर कर सकता है स्किल्स हैकिंग में और मशीनरी में बहुत सारे ऑप्शंस मिली और रेंज्ड कॉम्बैट के साथ। तो यार ये गेम रिलीज हुई थी 10 दिसंबर 2020 को और ये गेम सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स के लिए भी अवेलेबल है जैसे कि स्टेडिया, विंडोज, एक्सबॉक्स वन, प्लेस्टेशन 5, Xbox S एंड S, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये गेम अवेलेबल है। बात करते हैं इस गेम की स्टोरी के बारे में। तो इस गेम की जो मेन स्टोरी है वो फॉलो करती है वी के स्ट्रगल को, क्योंकि वे एक मिस्टीरियस साइबरनेटिक इम्प्लांट से निपटते हैं जो कि उनके शरीर को एक मरे हुए सेलिब्रिटी की पर्सनैलिटी और यादों के साथ ओवरराइट करने की धमकी देता है जिसे केवल वी द्वारा माना जाता है। अलग होने और वी की जान बचाने के लिए दोनों को मिलकर काम करना होता है। तो इस गेम की स्टोरी इसी प्लॉट पर इवॉल्व करती है एंड बहुत सारे लोग यार स्टोरी के अलावा इस गेम में फ्री रोम करना भी पसंद करते हैं क्योंकि ये एक ओपन वर्ल्ड गेम भी है एंड इसका एनवायरनमेंट बहुत लोगों को ज्यादा पसंद भी आता है एंड बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आता है क्योंकि इस गेम को यार थोड़ा फ्यूचरिस्टिक वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है हमारे डेवलपर्स के द्वारा, जो कि एक डिजास्टर बना गेम डेवलपर्स के लिए। तो यार अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गेम की ग्राफिक्स और गेम की डेवलपमेंट के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं इस गेम की ग्राफिक्स की। तो गेम की ग्राफिक्स काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन बहुत सारे लोगों को ये अच्छी नहीं लगती क्योंकि यार जैसा मैंने पहले बताया आप लोगों को कि डेवलपर्स ने यहाँ पे इस गेम को फ्यूचरिस्टिक तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो वो कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को पसंद आता भी है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पसंद आता। पर्सनली मेरा ओपिनियन इस गेम के ग्राफिक्स के ऊपर अच्छा ही है, मेरे को इस गेम के ग्राफिक्स अच्छी लगती है। लेकिन यार इस गेम में आप लोगों को गेम के ग्राफिक्स में भी बहुत सारा बग्स और लैग्स देखने को मिलते हैं जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था इस गेम के डिजास्टर को बनने का। तो अब बात कर लेते हैं इस गेम की डेवलपमेंट के बारे में। तो इस गेम की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी द विचर 3 वाइल्ड हंट गेम के रिलीज होने के बाद ही एंड गेम को डेवलप किया गया था एक टीम के द्वारा जो कि 500 लोगों की टीम थी यार, और उन लोगों ने रेड इंजन 4 गेम इंजन को यूज करते हुए इस गेम को डेवलप किया है। सीडी प्रोजेक्ट ने यहाँ पे कुछ सिटीज में नए डिवीजन भी लॉन्च किए थे जैसे कि पोलैंड में, व्रॉकलॉ में, एंड बहुत सारे कंपनी के साथ पार्टनर भी किया गया था डिजिटल स्कैप्स, एनवीडिया, क्यू लॉक एंड जाली रिसर्च प्रोडक्शन को एड करने के लिए। साइबरपंक के क्रिएटर माइक पॉन्डस्मिथ एक कंसल्टेंट थे और इस गेम में एक्टर कियानो रीव्स ने स्टेरिंग रोल किया है। तो कुछ सालों बाद यार सीडी प्रोजेक्ट ने यहाँ पे साइबरपंक 2077 को रिलीज कर दिया उनके मेजर प्लेटफॉर्म्स के लिए और यार इस गेम को बहुत ज्यादा क्रिटिक्स मिले इसके नैरेटिव, सेटिंग्स एंड ग्राफिक्स को लेके। और जैसा कि मैंने बताया कि इस गेम को गेम प्ले के ऊपर बहुत ही मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस भी आए। दूसरी तरफ इसकी थीम जो कि रिप्रेजेंट करती थी एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर को, उसको भी यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला और इस गेम को वाइडली क्रिटिसाइज किया गया इसके बग्स के लिए। पर्टिकुलरली कॉन्सोल्स वर्जन में बग्स ज्यादा देखने को मिले और इसके परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स को देखते हुए यहाँ पे प्लेस्टेशन स्टोर से सोनी ने इस गेम को रिमूव कर दिया दिसंबर 2020 से जून 2021 तक। लेकिन सीडी प्रोजेक्ट ने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पे रेक्टिफाई कर लिया। तो यार अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गेम की रेटिंग और रिव्यूज के बारे में। तो IGN पे इस गेम को 9/10 की रेटिंग मिली है। स्टीम पे इस
गेम को 7/10 की रेटिंग मिली है एंड लगभग 74% लोगों ने इस वीडियो गेम को लाइक किया है। तो यार यहाँ रेटिंग और रिव्यूज में भी आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही मिक्स्ड रेटिंग भी है इस गेम की। IGN पे 9 रेटिंग है, स्टीम पे 7 है और ओवरऑल देखें तो 74% लोगों ने सिर्फ इस वीडियो गेम को लाइक किया है। और यार अभी 2023 चल रहा है तो इस गेम को आराम से यार 2-3 साल हो चुके हैं रिलीज डेट से, फिर भी यार इसके रेटिंग और रिव्यूज में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज भी हमें देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब ये है यार कि लोगों को ये गेम ओवरऑल उतनी पसंद नहीं आई है। तो यार अब लोग बात कर लेते हैं इस गेम की सेल्स और अवार्ड के बारे में। तो ऐसा नहीं है यार कि ये गेम इतनी बेकार है कि इसकी यहाँ पे कोई सेल नहीं है या यहाँ पे इस गेम को कोई भी अवार्ड नहीं मिला है। इस गेम को बहुत सारे अवार्ड भी मिले एंड इसके सेल्स भी काफी अच्छे हैं। तो साइबरपंक 2077 ने रिसीव किया था टोटल 8 मिलियन प्री ऑर्डर सारे प्लेटफॉर्म पे, जिसमें से यार 74% डिजिटल थे और इसने यार विचर 3 द वाइल्ड हंट से ज्यादा प्री ऑर्डर यहाँ पे रिसीव किए हैं। और इसी सेल्स में से 1/3 PC सेल्स भी थी जो कि GOG गेम्स से थी और ये गेम बेस्ट सेलर थी स्टीम पे चाइना में। तो अकॉर्डिंग टू CD प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स यहाँ पे सेल्स में एक ड्रास्टिक डिक्लाइन देखने को मिला 4 दिन के रिलीज डेट के बाद ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आए लॉन्च के बाद। 12 महीनों में सेल्स के लिए जो यहाँ पे एनालिस्ट ने एस्टिमेशन किया था वो 30 मिलियन से गिरकर 25.6 मिलियन हो गया था। और यार ये गेम जब रिलीज हुई तो 12 आवर्स के अंदर ही स्टीम पे यहाँ पे लगभग ओवर 1 मिलियन कॉन्करेंट प्लेयर्स यहाँ पे इस गेम को खेल रहे थे। और जापान में साइबरपंक 2077 का प्लेस्टेशन 4 वाला वर्जन यहाँ पे लगभग 1,04,600 फिजिकल कॉपी सोल्ड कर दिया था, जो कि इस गेम को उस पर्टिकुलर वीक में सेकंड हाईएस्ट रिटेल गेम उस कंट्री में बना दिया। और साथ ही साथ गेम ने यहाँ पे लगभग 13 मिलियन कॉपी सोल्ड थे दिसंबर 2020 में और ये 31 दिसंबर 2022 तक डिजिटल सेल्स में 10.2 मिलियन डिजिटल यूनिट की सेल्स $609 मिलियन की कमाई के साथ अब तक के सबसे बड़े डिजिटल गेम लॉन्च था। सितंबर 2022 तक इस गेम ने दुनिया भर में 20 मिलियन से अधिक कॉपी सोल्ड हो चुकी हैं। तो यार ये थे इस गेम के कुछ सेल्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गेम के अवार्ड्स के बारे में। तो इस गेम को यार बहुत ज्यादा ही अवार्ड्स मिले हैं, तो जहां जहां ये नॉमिनेटेड था वो मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला, वो आप लोग खुद से इस चार्ट में देख लेना। यहां पे जहां जहां इस गेम ने अवार्ड्स को जीता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पे 2018 में गेम क्रिटिक्स अवार्ड स्पेशल कॉमेडेशन ऑफ ग्राफिक्स स्पेशल कॉमेडेशन फॉर इनोवेशन यहां पे दोनों इस गेम ने जीता है। और 2018 में ही गोल्डन जॉयस्टिक अवार्ड और गेमर चॉइस अवार्ड यहाँ पे कैटेगरी आप लोग देख सकते हो मोस्ट वांटेड गेम और मोस्ट एंटीसिपेटेड गेम में यहाँ पे नॉमिनेटेड था, लेकिन मोस्ट वांटेड गेम में यहाँ पे जीता हुआ गेम था। 2019 में गेम क्रिटिक्स अवार्ड और गोल्डन जॉयस्टिक अवार्ड फिर से यहाँ पे कैटेगरी देख सकते हो स्पेशल कॉमोडेशन ऑफ ग्राफिक्स एंड मोस्ट वांटेड गेम दोनों जीत लिया भाई इस गेम ने। 2020 में 18th विजुअल इफेक्ट सोसाइटी अवार्ड और गेम्स कॉम अवार्ड 2020 यहाँ पे देख सकते हो आउटस्टैंडिंग एनिमेटेड कैरेक्टर बेस्ट PC गेम रोल प्लेइंग गेम गेम्स कॉम मोस्ट वांटेड कंज्यूमर अवार्ड बेस्ट सोनी प्लेस्टेशन गेम यहाँ पे इतने सारे अवार्ड्स 2020 में इस गेम ने जीते हैं। तो 2020 में यार इस गेम ने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं क्योंकि 2020 में ही ये गेम रिलीज हुई है एंड 2021 में यहाँ पे इस गेम को कोई भी अवार्ड नहीं मिला। देख सकते हो हर जगह ये बस नॉमिनेटेड था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये गेम एक डिजास्टर थी एंड प्लेयर्स को ये गेम एकदम पसंद नहीं आई क्योंकि इस गेम में बहुत सारे बग्स लैग्स एंड बहुत सारे कटसीन्स वगैरह थे वहाँ पे लोगों को नहीं पसंद आ रहे थे एंड ओवरऑल उस चीज के वजह से 2021 में यहाँ पे कोई भी अवार्ड इस गेम को नहीं मिला। तो यार ये थे इस गेम के कुछ अवार्ड्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गेम की मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की। तो OS की बात करें तो विंडोज 7, 8 और 10 में गेम चलता है और सिर्फ 64 बिट्स वर्जन को ये गेम सपोर्ट करता है। प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर i5 का प्रोसेसर आप लोगों को चाहिए होगा एंड अगर इसके नीचे का प्रोसेसर है तो आप लोग नहीं खेल पाओगे भाई इस गेम को। रैम की बात करें तो 8GB रैम आप लोगों को चाहिए होगी। ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो मिनिमम 4GB का ग्राफिक कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए इस गेम को प्ले करने के लिए। DirectX की बात करें तो यहाँ पे DirectX 12 आप लोगों के पास होना चाहिए और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे लगभग 70GB स्पेस आप लोगों की खाली होने चाहिए आपके हार्ड डिस्क में। तो यार ये थे इस गेम के कुछ मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड अगर आप लोगों के पास इतने रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है तो आप लोग इस गेम को नहीं प्ले कर सकते। तो यार अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गेम की प्राइसिंग की। तो यार ये गेम यहाँ पे आपको 3 प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिल जाएगी। तो डिजिटल में यार GOG.com पे आप लोगों को ये गेम देखने को मिल जाएगी। रिटेल की बात करें तो स्टीम और एपिक गेम स्टोर पे आप लोगों को ये गेम देखने को मिल जाएगी। तो आइए यार सबसे पहले GOG.com पे देख लेते हैं कि क्या प्राइसिंग इस गेम की चल रही है।
तो यहाँ पे यार 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो $21.49 दिखा रहा है प्राइस यहाँ पे, जो कि यार इंडियन रुपीज में 1770 रुपीज होता है। आप लोग यार डॉलर का रेट देख के करेंटली इसको कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी होगा देख लेना नेट पे। तो आइए अब हम लोग स्टीम पे प्राइसिंग देख लेते हैं कि क्या स्टीम पे प्राइसिंग है इस गेम की। तो स्टीम पे यहाँ पे ये गेम आप लोगों को लगभग 3000 रुपीज में देखने को मिल जाएगी, एंड यहाँ पे कुछ कंटेंट जैसे बोनस कंटेंट और रेड मॉड यहाँ पे फ्री भी है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। एंड बात करें एपिक गेम स्टोर की, तो एपिक गेम स्टोर पे भी यार 3000 की है गेम, तो यहाँ पे दोनों स्टोर पे प्राइसिंग सेम है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि यार स्टीम से बाय कर लेना, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी सेल्स भी आते रहते हैं। बाकी आप लोगों को जैसा लगता है, जहाँ पे भी आप लोगों का फिट बैठता है, आप लोग वहाँ से बाय कर लेना। तो यार मैं तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग इस गेम को अफोर्ड कर सकते हो तो बाय करके ही डेवलपर को सपोर्ट करना, एंड बाकी जो डिटेल्स हैं वो सब मैंने बता दी है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग इस गेम को अफोर्ड नहीं कर सकते एंड इस गेम को प्ले करना चाहते हैं। तो भाई कोई भी घबराने की बात नहीं है, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर सकते हो, वहां पे आप लोगों को एक वेबसाइट की लिंक देखने को मिल जाएगी, वहां पे ये गेम एकदम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वर्किंग देखने को मिल जाएगी। तो वहां पे जाके सारी डिटेल्स वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग विजिट कर लेना एंड सारी डिटेल्स वहां से चेकआउट कर लेना। और हाँ यार एक इन्फॉर्मेशन में देना आप लोगों को भूल गया था कि इस गेम पे यार एक एनिमे सीरीज भी आई है, वो भी आप लोग अगर देखना चाहते हो तो देख लेना। वैसे मैं यहाँ पे कोई बड़ा एनिमे का फैन नहीं है, तो आप लोग अगर हो तो आप लोग देख लेना, लिंक वगैरह नेटवर्क पे देख लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो बस यार आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, एंड अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके से गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड लोगों के साथ यार, कि वो भी इस गेम का रिव्यू देख सके। एंड टेलीग्राम चैनल जो है उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे अच्छे गेम्स की वोटिंग अभी फ्यूचर में आने वाली है। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में यार, लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, तब तक के लिए बाय।